झारखंड की रहने वाली स्टार हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे को भारतीय महिला हॉकी टीम का नया कप्तान बनाया गया है। कभी आदिवासी बहुल सिमडेगा जिला के बड़की छापर गांव में बांस के डंडे और मोजे की बनी गेंद से प्रैक्टिस करने से लेकर टीम इंडिया की कप्तान बनने तक सलीमा टेटे का सफर चुनौती, संघर्ष और मुश्किलों से भरा रहा है। आज भी सलीमा टेटे के माता पिता सहित पूरा परिवार सिमडेगा के बड़की छापर गांव में लाइमलाइट से दूर साधारण तरीके से रहता है। तो चलिए हम आपको भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान स्टार सलीमा टेटे के गांव लिए चलते हैं, आपको घुमाते हैं बड़की छापर की गलियों में, कराते हैं सफर सलीमा टेटे के घर का। आपके लिए शायद यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन यही सलीमा टेटे का घर है। मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत वाले इस घर में सलीमा टेटे के माता पिता और बहनें रहती हैं। विश्वास करना मुश्किल होगा कि ये भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान का घर है। ये उस सलीमा टेटे का घर है जिन्हें वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। सलीमा के घर के कोने कोने से सादगी और सरलता दिखती है। मिट्टी की दीवारें हैं, बांस और टाली खपड़े की छत, रसोई में भिंडी काट कर रखी है, सूप में साफ करने को चावल रखे हैं, खाना अब भी मिट्टी के चूल्हे पर ही पकता है। बिजली का कनेक्शन तो है, लेकिन घर का बरामदा अभी भी छप्पर से झांकती धूप से ही रोशन है। सलीमा टेटे उस असाधारण खिलाड़ी के घर में सब कुछ साधारण है। खूंटी पर हॉकी स्टिक टंगी है, दीवार पर मेडल भी लटके हैं, एक कमरे में टेबल पर ट्रॉफियां और पदक रखे हैं। यही चीजें बताती हैं कि साधारण से घर से एक असाधारण लड़की भारत के लिए महिला हॉकी में दुनिया जीतने का काम कर रही है। इस टेबल को गौर से देखिए, दर्जनों मेडल, चमचमाती ट्रॉफियां और शील्ड। इस साधारण से मिट्टी के मकान में यही असल जमा पूंजी है जो इस परिवार की बेटी सलीमा टेटे ने अपना पसीना बहाकर कमाया है। सलीमा की नई उपलब्धि से माता पिता खुशी से फूले नहीं समा रहे। पिता बताते हैं कि उन्हें सलीमा का फोन आया था, बताया कि उसे टीम इंडिया का नया कप्तान बना दिया गया है। इसके बाद पिता सलीमा के बचपन के दिनों को याद करने लगते हैं। महिला हॉकी टीम की नई कप्तान सलीमा टेटे के पिता उसकी उपलब्धियों पर खुश तो बहुत हैं, लेकिन कुछ कसक भी है। कसक कि सलीमा की ऊंची उड़ानों के बावजूद बड़की छापर में जमीन पर कुछ खास नहीं बदला है, पानी की समस्या है। कैप्टन बनने के बाद हम लोग के बीच में फोन की थी और की बोली कि पापा आप हम लोग हमको आप टीम के लिए कैप्टन बना दिया गया। कैसा लग रहा है? हम लोग को अच्छे लग रहा है, कहे के लिए टीम के लिए कैप्टन होना अनिवार्य है और टीम के माध्यम से ही कहीं भी ले जाने आने में उसको वो एक अगुआ होना चाहिए और अगुआ होकर के ही उसको लेके जाएगी। गांव में क्या क्या समस्या है? गांव में हम लोग के बीच में पानी की सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग के पीने के लिए हम लोग को आधा किलोमीटर जाना पड़ता है और वहाँ से लेकर आते हैं और हम लोग अपने घर परिवार को बल बच्चों को और पानी पिलाते हैं और हम लोग के लिए भी नहाने धोने के लिए भी असुविधा है। इस तरह से हम लोग के नज़दीकी है जैसे शंख नदी और गिरमा नदी है, इस बीच में हम लोग जा जा कर अपने नहा कर आते हैं। तो गाँव में पीने के पानी की दिक्कत है? हाँ। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से मैं यही मांग करना चाहते हैं कि हम लोग के बीच में कम से कम पीने के लिए पानी की आवश्यकता है, उसे पानी हम लोग के बीच में दिया जाए और अच्छी तरह से हम लोग पी करके अपना गांव या घर परिवार में खुशी से हम अपना। बिल्कुल साधारण सी दिख रही ये महिला स्टार हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे की माँ है। स्थानीय भाषा में बता रही हैं कि कप्तान बनाए जाने के बाद सलीमा ने उनसे फोन पर क्या कहा था। सलीमा की माँ गांव में सुविधाओं के बारे में पूछने पर थोड़ी नाराज होती हैं। कहती हैं लोग फोटो खींच कर जाते हैं लेकिन करते कुछ नहीं, पेयजल की भारी दिक्कत है। आयो कैप्टन चुनला मोरले बड़ बड़ है लेकिन कैप्टन चुनला ठीक खेलिस बेटी से कार लगन तो के कैप्टन चुनला ठीक जून और आगे हेले के कोशिश कर बे हर आगे बेस्ट लगातार खेल बे कही के कह लगन में और धन्यवाद दिलो और अगला जीवन में होते हैं हेले के खेलते रह बे कही के मैं कह। गांव में क्या क्या समस्या है? पानी कर समस्या है। कहाँ तक पानी कर? तो मेरम लोया जेलो दू हुआ एक बार कही रहा प्रशासन के कही रही कतना कार्य की
लहरा बेर करके करके डब्बे निकालन कौन कौन आरो ले जाए सब के लिख लिख के ले बहर हमके फोटो खींच खींच के ले जाए लेकिन काने काने देन सके का लिखे। यही वो घर और गांव है जहां सलीमा ने कभी हॉकी का ककहरा सीखा, मेहनत से अपनी किस्मत लिखी, गरीबी और अभाव को हराकर वो मुकाम बनाया जिसका कई लोग ख्वाब ही देख पाते हैं। सलीमा सपनों को हकीकत में जी रही हैं। उम्मीद है गांव में भी अच्छे बदलाव आएंगे। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.